सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। तो गाइज आज जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था, तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह के 9 बजे ही। अभी बस मैं उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, मुँह हाथ धोया, नाना जी ये रहे चाय पी रहे हैं, और अब जो है हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में, जो मैंने कल बताया था आपको। तो यहाँ का ब्लॉग ख़त्म करके मैं वहाँ पर आपसे मिलूँगा, वहाँ पर हम आपसे आगे बात करेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए, फिर वही मिलते हैं आपसे। बहुत बढ़िया एरिया, मज़ा आएगा आपको, धूप अभी भी निकल आई है, देखते हैं कैसा सीन रहता है। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आए हुए थे यहाँ पे विसर्जन के लिए, जो नवरात्रों का सामान था, जो कि ये रहा नाना जी के हाथ में, और ये रही यहाँ की नदी जो चलती है, चल रही है विसर्जन के लिए यूज़ होती है। जब हम लोग गणेश जी की पूजा करते थे तो भी यहीं आते थे विसर्जन के लिए। तो सही है, थोड़ी बहुत साफ सफाई की इधर ज़रूरत है, देखो सूखा पड़ा है इधर, तो ये सब जो डाला है यही सब सीन है। तो अभी हम आए हैं विसर्जन के लिए, बहुत अच्छी जगह, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगा सुबह आए ना, खाली मिला। तो चलो अब नाना जी और हम चला देते हैं सामान को, फिर आपसे डायरेक्ट घर पे मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। गाइस हमने यहाँ पे अपना विसर्जन कर दिया है, डाल दिया है यहाँ पे सामान का हमारे, और क्या बढ़िया देखो जगह है, अभी तो खाली मिल भी रही है ये, आज से ही आते ना दोपहर में या शाम को, पैर रखने तक की यहाँ जगह ना होती, नहीं इतनी तो होती, क्योंकि बहुत विसर्जन देख सकते हो कितना हुआ है यहाँ पे विसर्जन। उधर आगे भी पानी वानी है, एकदम मेन पानी में तो नहीं डालने दे रहे, लेकिन जितना था हमने अच्छे से कर दिया नदी पानी में। चलो ये यहाँ पे खड़ी हुई है बाइक हमारी, बस अब निकलते हैं फटाफट से, तब तक के लिए बाय बाय, डायरेक्ट मिलते हैं अब घर पे। सो गाइज अभी जो है यहाँ पे देखो क्या बढ़िया सीन है। तो अभी आप रोड की थोड़ी सी वीडियो देखो, तब तक नाना जी होल्ड करेंगे फ़ोन को कुछ इस तरीके से, कर लीजिए पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए अपना, जिससे बात करो हाकिंग दीख कर रहे हो कैसे पकड़िए बता, ऐसे हाकिंग कैसे ऐसे, ऐसे हाँ इतना ठीक है, हाँ थोड़ा सा ऊपर टाइट पकड़ लीजिए, चलो हलो हलो चलिए, हाँ चलिए मेट्रो स्टेशन। तो गाइज अभी का ये सीन है कि यहाँ पे हम आए थे, तो देखो क्या बढ़िया है यहाँ पे, मेन रोड पे आने से पहले मैं इसे एंड कर दूंगा गाइस, क्योंकि फिर जो है नहीं बना सकते हम लोग, बस आई गई है मेन रोड, आप तब तक एंजॉय करते रहो, काफ़ी अच्छा था। बाकी अब हम आपसे डायरेक्ट घर पे मिलेंगे, एंडिंग करते हैं। बस 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 कितनी हो गई, लोग चौराई पढ़ाई की। चलो गाइज अब हमारा हो चुका है, यहाँ सामने है ये, तो अब हम वापस ही जा रहे हैं, इधर से यू टर्न लेके लगी है, तो आपसे जल्दी मिलते हैं घर पे, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज अभी का ये सीन है कि अभी मैं कर रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट, कल वाला कंप्लीट हो चुका है लिटरेचर और लैंग्वेज का, आज चल रहा है मेरा जावा का प्रोजेक्ट, और थोड़ा सा एक्सपोज हो रहा होगा, कोई बात नहीं अब सही आ रहा होगा। आज मैंने दोपहर का लंच भी कर लिया है, जो कि मैंने खाया था कबाब पराठा, उसको दिखाना भूल गया गाइस, इधर मैं ब्लॉग को पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, मेरे प्रोजेक्ट्स आ गए हैं 2-3, कुछ दिन की दिक्कत है मेरे ख्याल से, 1-2 दिन की, मेरे बस 3 प्रोजेक्ट पेंडिंग है, इसके बाद 2 बचेगा मैथ्स का और हिंदी का, वो 2 कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर प्रोजेक्ट्स का जो दिन भर का सिस्टम रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। आज का ये सीन है कि आज मुझे अपनी बाइक ठीक करवानी है, बाइक में थोड़ा सा उसका मीटर फिर ख़राब हो गया है, तो अब की से जो है परमानेंट सोल्यूशन करवाएंगे, बढ़िया वायर लगवा के, बढ़िया गरारे लगवा के उसे ठीक करवाएंगे, होप सो ब्लॉग भी बना पाए, अगर कोई वहाँ पे ठीक रहा सिस्टम, ज़्यादा भीड़ हुई तो नहीं बनाएंगे। और दूसरी चीज़ इसका, पहली चीज़ तो आज हो जाए, मुझे उम्मीद नहीं है कि आज होगा, क्योंकि जिसके पास मैं जाने वाला था वो कह रहा है आज उसके यहाँ भीड़ बहुत है, तो अभी का मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, 3 बज रहा है, 4 से मेरी क्लास है, तो 4 बजे तक मुझे लगभग मैं 90% सोच रहा हूँ कवर अप हो जाए तो वो बेस्ट है मेरे लिए। तो आपसे हम जल्दी मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के बाद, हो सकता है शाम को डायरेक्ट मिले, तो प्लीज़ यार ब्लॉग को एडजस्ट कर लो, आपसे जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइज आज का जो ब्लॉग है अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद,
और मैंने आपको दिखाया था कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, वो कंप्लीट हो चुका है। आज कंप्यूटर का प्रोजेक्ट, कल एक कंप्लीट कर लिया था। अब जो पेंडिंग में है वो दो हैं, वो दो जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद से व्लॉग जो है, जैसे मैं डालता था 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट, उसके रेगुलर बेसिस पे आने लगेगा। क्योंकि लगभग समझ लीजिए 3 से 4 घंटा लग जाता है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एक दिन में। उसको अगर हम लंबा टाइम ले लेंगे लगाने का तो वो लंबा सीन हो जाएगा। अभी मैं करने जा रहा था तो पीछे इधर कंजर लोग रहते हैं, उन्होंने ईंटें फेंक दिए थे शेड पे, तो हम लोग ऊपर गए थे तो उधर ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था। अब जब नीचे उतर के आए हैं तो हमने ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी टाइम हो रहा होगा अंदाज़ा 6:50 के अराउंड है। अभी वॉच नहीं पहनी हुई है, 6:50 है, तो देखते हैं कैसा सीन रहता है आगे। और वैसे तो मैं इस सीन के बाद अब ब्लॉग को करूँगा एंड। और अगर आपको हमारा ब्लॉग रोज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि किसी दिन हम सारागंज जाएंगे और टुंडे कबाब भी ट्राई करेंगे, मे भी वो आने वाले कुछ दिन हो सकते हैं। उससे पहले देखते हैं कौन सा रहता है सीन, जो भी होगा आपको ब्लॉग में पता चलता रहेगा। आप बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।